आज सेकंड पार्ट में हम लोग राउंड ऑफ नंबर के सेकंड पार्ट में आज हम लोग क्वेश्चन बनाने के लिए सीखेंगे। क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन क्या दिया जाएगा, कैसे बनाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस, नंबर है 47 एंड 82। इन दो नंबर को राउंड अप करना है नियरेस्ट टेंस का, नियरेस्ट टेंस का। इसके लिए क्या करें हम लोग, टेंस है तो वंस प्लेस को चेक करेंगे। क्या है सेवन, सेवन का मतलब फाइव से बड़ा, इसका मतलब ये फोर बढ़ जाएगा, तो बन जाएगा फाइव। वंस प्लेस टू है, इसका मतलब एट वही रह जाएगा, बढ़ेगा नहीं। एट राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट हंड्रेड, ये हंड्रेड की बात करेगा तो लोग टेंस को देखेंगे, किसको देखेंगे, टेंस को। थ्री है, इसका मतलब फाइव से कम है, सेवन नहीं बढ़ेगा, इतना होगा सेवन पर डबल जीरो। ये फाइव, क्योंकि फाइव है तो एट है, तो एक बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, नाइन डबल जीरो। सिमिलरली राउंड ऑफ द टू, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट थाउजेंड, थाउजेंड रहेगा तो हंड्रेड को देखा है, वन टेंस हंड्रेड, इसको चेक किए, इसको चेक किए। थ्री है, क्या बढ़ेगा फोर, नो, फोर वही रह जाएगा। इस तरह से इसमें वन टेंस हंड्रेड चेक किए, फाइव है बढ़ेगा, आ जाएगा सेवन जीरो जीरो जीरो। अब हम लोग एस्टिमेटेड सम यानी एडिशन करेंगे और सबट्रैक्शन का चेक करते हैं। एडिशन, एक्चुअल सम यानी 47 और 52 को हम लोग जोड़ेंगे, 7 और 2 9, 7 और 2 9, 4 और 5, 4 और 5 और 9, ये भी 9 हो गया। ओके, अब एस्टिमेट करना है, एक्चुअल सम निकालना, एस्टिमेट करना है, तो हम लोग वंस प्लेस को देखेंगे, क्या करना है, नियरेस्ट नियरेस्ट टेंस करना है, तो वंस को देखेंगे। तो सेवन था तो फोर बन गया फाइव, और टू था तो एक बार फाइव फाइव ही रह गया, फिफ्टी प्लस फिफ्टी हंड्रेड, तो 99 हुआ, ये 100 हुआ, यानी एक्चुअल में हम लोग जोड़ते हैं तो 99 हुआ और एस्टिमेट करके जोड़ते हैं तो 100 हुआ, कोई ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग आगे सब्ट्रैक्शन के लिए करेंगे, और हम लोग तीन डिजिट का सम चेक करेंगे। एक्चुअल सम 467, 536, इसको ऐड करना, एक्चुअल सम एस्टिमेटेड सम, एक्चुअल सम निकालना होगा, क्योंकि 100 और 1 से 100 है, तो लोग टेंस प्लेस को देखेंगे, टेंस प्लेस देखेंगे, यानी राउंड अप करेंगे 100 को, राउंड अप करेंगे 100 को, तो यहाँ पर क्या है, 6 है, 6 को देखेंगे, 4 क्या आ जाएगा, 5 में चेंज हो जाएगा, यहाँ 4 है, 4 क्या आ जाएगा, क्योंकि 4 है चेंज तो नहीं होगा नहीं, तो 5 है, 5 ही आ जाएगा। एक्चुअल सम निकालेंगे, यहाँ पर एक्चुअल सम है, 7 6 13 3 8 1 6 7 10 11 12 1 4 5 1 5 5 4 9 1 10, इस तरह से यहाँ पर 0 0 0 0 और 5 और 5 8, यहाँ देख रहे हैं एक्चुअल सम तो मिला था 1013, और यहाँ एस्टिमेटेड सम किए थे तो 1000 आया, 1000 आया। तो इस तरह से मैं दो डिजिट का सम हो गया था, यहाँ तीन डिजिट का सम हो गया, चार डिजिट का सम निकाल सकते हैं, फाइव डिजिट का निकाल सकते हैं, पाँच डिजिट का अगर बने कि एक पर अंक पहले वाला उसको हम लोग देखेंगे, वन जो फाइव है, टू है, थ्री है, क्या है नहीं है उसको देखेंगे, उसका काम करेंगे। अब इसी तरह से यदि हमको हमें एडिशन की जगह सब की जगह पर सब्ट्रैक्शन पर दिया रहेगा तो हम उसी तरह से सब्ट्रैक्शन का काम कर लेंगे। ओके, अब एस्टिमेटेड सम, एस्टिमेटेड सम या डिफरेंस निकालना होगा, दो नंबर है तो जो छोटा नंबर होगा उसके अनुसार से हम लोग राउंड ऑफ करेंगे, उसके अनुसार से हम लोग राउंड ऑफ करेंगे। मेरे पास एक नंबर है 4675 और एक नंबर है 346, छोटा नंबर है 346, तो इस नंबर के अनुसार से हम लोग राउंड ऑफ करेंगे। इसको राउंड ऑफ करने के लिए क्या हुआ, वन टेंस हंड्रेड यानी टेंस प्लेस को देखना है, तो इसको भी 100 में राउंड ऑफ करेंगे, इसका भी 100 राउंड ऑफ करेंगे, इसका भी 100 राउंड ऑफ करेंगे, तो क्या हो गया, सेवन है तो बन जाएगा ये 6 बन जाएगा 7, 4 7 डबल 0,
थ्री है, फोर है, कुछ चेंज नहीं होगा, तो थ्री डबल जीरो एड कर दिए, जीरो जीरो सात तीन दस और चार एक पाँच, बोला छः पाँच ग्यारह, हाथ में सात चार ग्यारह बाद हाथ में एक छः तीन और दस और ये चार एक पाँच। देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस 21 का रहा, ये 5000 है, ये 5021 है। यदि दिमाग में है कि नहीं इसका राउंड ऑफ हम इसके अनुसार से करें, इसका राउंड ऑफ इसके अनुसार से करें, तो इसका राउंड ऑफ यदि इसके अनुसार से करेंगे तो 4 बन जाएगा 5, 4 बन जाएगा 5, ओके, और 3 बन जाएगा 3 रहेगा, ये नंबर आएगा हमारे पास 0 0 3 और 5। कितना का अंतर आ रहा है, ये 5021 था, ये 5300 है, और एस्टीमेट किए तो 5000 आ रहा है। सबसे नजदीक में कौन है, इसका सबसे नजदीक में कौन है, ये है। एस्टीमेट एट सम दे निकालने के तो ये तरीका मेरा सही होगा, ये तरीका मेरा गलत हो जाएगा, ये तरीका मेरा गलत हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 3 3 6 डिजिट का नंबर है और नीचे में 4 डिजिट का नंबर है, तो इसको यदि राउंड ऑफ करना है तो हम लोग नीचे वाला छोटा वाला नंबर है उससे उसके अनुसार से करेंगे। 1 10 100 1000 है, यानी नियरेस्ट 1000 में राउंड ऑफ करेंगे, 1000 राउंड ऑफ करने में करने के लिए 100 प्लस को देखना पड़ेगा, 100 प्लस यहाँ कितना है 4, यहाँ कितना है 4, 6 7 8 0000 8 0000 ऐड कर दिए इतना आ गया, इसको ऐड किए तो इतना आ गया, आंसर कितना है 6 8 6 6 8 6 नंबर बराबर 934, यहाँ 934 क्योंकि नियरेस्ट 1000 करना था इसलिए 934 का डिफरेंस आया, तो ये चलेगा, ये चलेगा। अब यदि हमें इस नंबर को ऊपर वाला नंबर को अपने इसके अनुसार से या नीचे वाला का नंबर को इसके अनुसार से यदि हम लोग काम करेंगे तो यहाँ पर क्या 7 है तो क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा 7, 6 बन जाएगा 7 और 1 2 3 5 0 1 2 3 4 5 0 और 8 पर 3 0, 8 है 4 है तो बढ़ेगा नहीं तो 8 8 रह जाएगा, 8 पर 4 0 8 पर 3 0 8 1 2 3 0 इसको ऐड कर दिए क्या हो गया 0 0 0 8 0 7। एक्चुअल जो निकाले थे तो क्या था 6,86,934 यानी 6,86,934 और इस्टीमेट किए थे 6,86,000 आए, लेकिन यहाँ पर जब इसके अनुसार से इस्टीमेट जब किए तो आ रहा क्या 7,08,000, कितना का डिफरेंस हो गया, इससे भी ज़्यादा बड़ा हो गया, 7,08,000 हो गया। यानी इसका एस्टीमेट जो तरीका दिशा अपनाए हैं वो गलत हुआ, यानी जो छोटा नंबर होगा उसी के अनुसार से हम लोग एस्टीमेट करेंगे। और इसको कर देखते हुए हम लोग क्या है एडिशन बनाए बनाए हम लोग इसी तरह हम लोग सबट्रैक्शन बना सकते हैं, इस तरह से हम लोग सबट्रैक्शन भी बना सकते हैं, 2 डिजिट का 3 डिजिट का 10 लाख 10 करोड़ कुछ किसी चीज़ का रहेगा हम लोग नियरेस्ट कर करके आराम से बना सकते हैं, ओके। और यदि किसी प्रकार का दिक्कत हो तो फिर हमसे संपर्क कर लीजिएगा, मैं आपको आगे भी बता दूंगा, है ना, ओके, आप बनाइए, ओके, थैंक यू।